मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बेशकीमती सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर करीब एक दर्जन मकान बना लिए थे। शिकायत मिलने पर पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम का अतिक्रमण विरोध दस्ता और जिला प्रशासन की मौके पर पहुंची और सारे मकान ध्वस्त कर दिए। अतिक्रमणकर्ता दलील दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश के सीएम ने घोषणा की है कि गरीब जिस जमीन पर रहें उन्हें उसका मालिक मान लिया जाए। शहर में झांसी रोड इलाके में खाली पड़ी जमीन पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर मकान बनाए जा रहे थे। प्रशासन को शिकायत मिली तो इसकी जांच कराई गई। प्रशासन को पता चला कि मंदिर के आसपास के करोड़ों की जमीन पर एक दर्जन से भी ज्यादा मकान बना लिए गए थे और अतिक्रमण अब भी जारी है। इस पर जिला प्रशासन, पुलिस फोर्स और नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी दस्ते को साथ लेकर मौके पर पहुंचा और सभी मकानों को ध्वस्त कर दिया।